मॉर्निंग, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल लता प्राइम व्लॉग्स में आप सभी मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का स्वागत है। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे फ्रेंड्स, और मैं भी अच्छी हूँ। आज ही फ्रेंड्स शनिवार, ये शनिवार का व्लॉग है। टाइम हो गया है फ्रेंड्स 11 बज चुके हैं, टाइमिंग देख लीजिए आप लोग। 11 बजे से मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स, और काफ़ी दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आ रहा था, क्योंकि जैसे मैंने घर की सफाई कर रही थी तो मेरी तबीयत हो गई थी ख़राब, तो मैंने कोई ब्लॉग शूट नहीं किया। आज मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, तबीयत भी मेरी ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग शूट कर लूँ। और आज फ्रेंड्स बच्चों के स्कूल की भी छुट्टी है, और सुबह से थोड़ा सा बिजी थी तो मैंने सुबह का रूटीन भी शेयर नहीं किया है, क्योंकि बच्चों की छुट्टी थी तो मैंने सोचा ड्रेस वगैरह मैं वॉश कर लूँ। तो सुबह से मैं बस कपड़े धोने में लगी हुई थी फ्रेंड्स, और बच्चे स्कूल गए हैं, बच्चों यानी कि अपने पापा के साथ में पेरेंट्स मीटिंग है। तो और अब मैं कर लेती हूँ फ्रेंड्स अपना खाना वाना बनाने की तैयारी, क्योंकि मेरा सारा घर का काम हो गया है। देखिए क्लीनिंग वगैरह सब हो गई है, मेरा नाना धोना, कपड़े धोना सब हो गया है, और मेरी पूजा भी हो गई है फ्रेंड्स। और ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा, और ब्लॉग थोड़ा भी अच्छा लगे तो फ्रेंड्स लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, और मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और मेरा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे फ्रेंड्स तो प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके बताना मुझे। और इधर में देखें, मेरी पूजा भी हो गई है, और मेरे कान्हा जी मंदिर में विराजमान हैं, सभी मेरे भगवान, तो सभी का आशीर्वाद ले लीजिए आप लोग। और सभी मेरी प्यारी सी YouTube फैमिली मस्त रहे, स्वस्थ रहे, मुझे और कुछ नहीं चाहिए फ्रेंड्स। और दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या काम कर रही हूँ, और खाना तो बनाऊँगी, उसके अलावा भी थोड़ा सा काम फैला रखा है मैंने। तो फ्रेंड्स देखिए, घर की क्लीनिंग वगैरह हो गई है मेरी, झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया, डस्टिंग वगैरह, सब किचन विचन भी मैंने सब कुछ क्लीन कर दिया है फ्रेंड्स। देखिए अब बस खाना बनाऊँगी मैं, और पूजा मेरी हो चुकी है। और दिखाती हूँ, इतने सारे कपड़े भी मैंने धोए हैं, कुछ कपड़े ड्रायर में पड़े हैं, उनको मैं अभी डालूंगी धूप में। देखिए इतने सारे कपड़े, काफ़ी ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है आज बाहर में, और थोड़ा सा मैंने काम भी फैला रखा है। देखिए मैं बेडरूम में, और ये देखिए फ्रेंड्स अलमारी खाली कर दी है मैंने, जो ये दीवार में बनी हुई है अलमारी को मैंने खाली कर दी है फ्रेंड्स। अब यहाँ रहने का मन नहीं कर रहा है खाली करने का मन कर रहा है, और इस बारिश की वजह से फ्रेंड्स सीलन हो रही है, सीलन से काफ़ी स्मेल हो रही है इसके अंदर में, तो मैंने सारा सामान बाहर निकाल दिया है फ्रेंड्स, क्योंकि ये है सरकारी क्वार्टर, तो यहाँ पे काफ़ी सीलन हो रही है फ्रेंड्स। दिखाती हूँ आप लोगों को मेरे घर की हालत, और कुछ नहीं छिपाऊँगी आप लोगों से मैं। और इस बार ही मैंने सोचा था कि मैं वाइट वॉश करवाऊँगी पर दिवाली पे, तो पर कैसे वाइट वॉश करवाऊँ फ्रेंड्स, काफ़ी पैसा वेस्ट हो जाएगा। और ये देखिए सीलन की वजह से सारा घर ख़राब हो रहा है ये, अब क्या करें फ्रेंड्स। मैं कोई छिपाऊंगी नहीं आप लोगों से कि मैं सरकारी क्वार्टर में रहती हूँ, और यहाँ पे काफ़ी गंदा हाल है फ्रेंड्स, रहने का मन नहीं कर रहा है। अब तो सोच रही हूँ मैं यहाँ से खाली कर दूँ, पर कहाँ जाऊँ, अपना खुद का घर भी नहीं है ना फ्रेंड्स, कहाँ रहूँगी मैं। और ये देखिए हालत देखिए फ्रेंड्स आप लोग, ऊपर देखिए पानी टपक रहा है, देखिए दिख रहा होगा ना आपको। और मेरे बाथरूम की हालत दिखाती हूँ फ्रेंड्स, इसको देख के तो आप सच में सोचेंगे, प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स रहने लायक नहीं है घर, बिल्कुल भी रहने लायक नहीं है। ये देखिए सरकारी क्वार्टरों की हालत कितनी गंदी है, ये देखिए फ्रेंड्स ऊपर पानी टपक रहा है, देखिए बाथरूम में भी पानी टपक रहा है, दिख रहा होगा आपको बूंदे गिरती हुई। ये देखिए क्या करें, फिर उसके बाद भी हम रह रहे हैं यहाँ पे फ्रेंड्स, इस वाले रूम में भी देखिए। यहाँ पैसा लगाना मतलब वेस्ट करना पैसे, यानी कि समझदारी वाली बात नहीं होगी यहाँ पैसा लगाना, तो क्योंकि इतनी सीलन की वजह से हम वाइट वॉश करवाएंगे तो भी बेकार होगा हमारा पैसा, तो क्या ही करें। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा, और मुझे सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। तो आप लोगों के प्यार सपोर्ट रहा तो जल्दी से मेरा खुद का अपना छोटा सा घर होगा, और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ ये मैं। और फ्रेंड्स अब चलो मैं खाना बनाने की कर लेती हूँ तैयारी, क्योंकि बच्चों के आने का टाइम हो गया है, पीटीएम से आने वाले हैं, तो बना लेती हूँ फ्रेंड्स। जैसे ही मैं खाना बनाने की कर रही थी तैयारी, और ये दोनों भी आ गए हैं पीटीएम से, और देखिए है ना, और
आयुष को ही पूछती हूँ सबसे पहले, क्योंकि आज मैं नहीं गई थी तो मुझे पता है कंफर्म ये लोग मुझे नहीं बताने वाले हैं कि आज इनकी कंप्लेंट क्या मिली है, तो बता दे आयुष खुशी राजी राजी बता दे राजी राजी बता दे, नहीं तो बहुत मारूंगी छोरा ने बहुत जोर से नहीं मिली है ना। और इधर भी अनुषा, अनुषा की मिली है कि नहीं मिली है, झूठ बोल रहे हैं फ्रेंड्स आज ये है ना। और आज अनुषा ने और मैंने सेम ड्रेस पहनी है, दिखाऊं अनुषा की ड्रेस? और बताइएगा फ्रेंड्स कमेंट करके किसकी ड्रेस ज्यादा अच्छी लग रही है और ये दोनों यानी कि पसंद मेरी है और कलर भी मेरा ही, दोनों कलर मेरे ही पसंद के हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताना क्योंकि इसका कंफ्यूजन दूर कर देना इस लड़की का, ये छोरी बहुत ज्यादा है ना। और तो चलो फ्रेंड्स बना लेती हूँ खाना क्योंकि है ना ये लोग बताने वाले नहीं है आज मुझे कि क्या कंप्लेंट मिली है इनकी, तो मैं खाना बना लेती हूँ फ्रेंड्स। और इनकी तो ऐसे ही चलती रहेगी सारा दिन, और बच्चों के साथ में थोड़ा बच्चा बन जाना चाहिए कभी कभी। और इस छोरे को नंबर बता रहे छोरा तेरा, मंडे को बताएंगे, मंडे को नंबर बताएंगे जो इनके अभी पेपर हुए ना उसके मार्क्स पूछ रही हूँ मैं इनसे, और पर बता नहीं रहा है, बताएंगे भी तो नहीं बताए, आज थोड़ा सा काम था बिजी थी तो मैं नहीं जा पाई इनकी पीटीएम में, जाती ना तो इसको अच्छे से बताती मैं वहीं पे है ना, ये सुनाए को ने मेरी बिल्कुल भी और ये मेरे सारे दिन मारते रहते हैं ये मार खाने के काम करते ना। तो फ्रेंड्स खाना बना लेती हूँ उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से, और आज सारे दिन में मैं क्या करने वाली हूँ कहाँ जाने वाली हूँ सारा आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। तो प्लीज फ्रेंड्स व्लॉग में एंड तक बने रहिए, ओके फ्रेंड्स। तो अब आते ही देखो ये फोन में लग गए हैं दोनों, तो मैं खाना बना के मिलती हूँ आप लोगों को। फाइनली फ्रेंड्स हमारा खाना पीना हो गया है सबका, और बच्चे खा पी के रूम में चले गए हैं फोन लेके, और इधर में मैंने सारा किचन भी क्लीन कर दिया है, बर्तन वगैरह सब साफ कर दिए हैं फ्रेंड्स। और मैंने वीडियो में यानी कि शूट नहीं किया था खाना बनाते टाइम, क्योंकि फ्रेंड्स काफ़ी लंबा वीडियो हो जाता है खाना वाना बनाने के चक्कर में, तो मैंने सोचा आज मैं कुछ नया दिखाऊंगी और थोड़ा आज आप लोगों को बाहर घुमाने ले जाऊंगी, इसीलिए मैंने घर का ज़्यादा शूट नहीं किया है फ्रेंड्स। और अब मैं कर लेती हूँ जो रूम में फैला हुआ है फ्रेंड्स ये काम, तो मैं इसको समेट लेती हूँ, और मैंने अलमारी को कर दिया है क्लीन, और अभी सामान मैं यहाँ पे सेट कर देती हूँ। तो फाइनली फ्रेंड्स सारा सामान मैंने अलमारी में सेट कर दिया है, और इधर में अनुषा सोने की तैयारी कर ली है फ्रेंड्स, और मैं भी सो जाऊंगी अब थोड़ी देर के लिए आराम करूंगी फ्रेंड्स। तो मिलूंगी अब आप लोगों से मैं शाम को, तब तक मेरे ब्लॉग में बने रहिए, और शाम को कुछ अलग दिखाने की कोशिश करूंगी मैं आपको, ठीक है फ्रेंड्स। तो ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना और बने रहिएगा, फुल जरूर देखना मेरे वीडियो को, ठीक है फ्रेंड्स। तो इवनिंग में मिलते हैं आप लोगों से फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। शाम के बज चुके हैं 5:30 और हम लोग रेडी हो गए हैं फ्रेंड्स, और चलिए आप लोग भी हमारे साथ में बने रहिएगा, चलो जहाँ भी जाएंगे आप लोगों को घुमाएंगे। और इधर में ये दोनों भी रेडी हो गए हैं, इधर में ये भी रेडी हो गया आयुष भी और अनुषा भी रेडी हो गई हैं, तो चलो निकलते हैं घर को लॉक कर देते हैं सबसे पहले, और मिलते हैं आप लोगों से, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, अनुषा आगे आगे चल रही है, मेरे पीछे पीछे मैंने छोटा ले लिया। आ गए फ्रेंड्स घर से बाहर आ चुके हैं, और गेट से निकल के ऑटो लेना है हमें, और ऑटो में बैठ के जाना है, थोड़ा सा दूर है, ज़्यादा दूर नहीं है, जहाँ भी जाएंगे अभी बताऊँगी नहीं मैं कहाँ जा रही हूँ, ओके फ्रेंड्स। तो ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना पड़ेगा ये जानने के लिए, तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा आप लोग, ओके वहीं जाके मिलेंगे आप लोगों से। रोड पे आ गए हैं फ्रेंड्स और गेट से बाहर निकल गए, हम ऑटो का इंतज़ार कर रहे हैं, देखते हैं ऑटो कब तक आने वाला है, और ऑटो मिलते ही हम निकलते हैं फ्रेंड्स यहाँ से, फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर बाद। मिल गया है ऑटो है ना, बैठ गए दोनों, हाय चल पड़े हम।
फ्रेंड्स जहाँ पे हमें आना था और पहुँच गए। अंदर चल के मिलते हैं आप लोगों से और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और ये देखो यहाँ पे आए हम। तो फ्रेंड्स चेकिंग भी करवा ली हमने और एंट्री हो गई हमारी और हम आए हैं निरंकारी सरोवर पार्क में घूमने के लिए, है ना। काफ़ी बहुत ही अच्छा है, इससे पहले भी मैंने आप लोगों को दिखाया है ब्लॉग में, तो मन किया बच्चों को लेके आने का। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है ना फ्रेंड्स, इसलिए मैंने दोबारा से आ गई मैं आज पार्क में और दिखाती हूँ आपको। आप लोगों को यहाँ का नज़ारा कैसा लग रहा है फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताना। और यानी कि आज मन कर गया था मेरा आने का, तो इसलिए मैं आ गई। और काफ़ी सुंदर है नज़ारा यहाँ का। बच्चे आगे आगे भाग रहे हैं। और इवनिंग टाइम में काफ़ी ठंडा मौसम भी हो गया है ना। और बैक कैमरे से दिखाऊंगी अब सब कुछ आप लोगों को यहाँ का नज़ारा, ठीक है फ्रेंड्स। ब्लॉग पूरा ज़रूर देखना। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ का नज़ारा काफ़ी सुंदर है। और ये देखिए अनुषा की फ्रेंड आई थी कुछ टाइम पहले, तो उस दिन अनुषा का आना नहीं हुआ, इसलिए अनुषा बोल रही है कि उस दिन क्यों नहीं आए आप, है ना। पर हम आज आ गए। काफी क्लीन है देखिए फ्रेंड्स, सफाई देखिए यहाँ पे। यहाँ का नज़ारा देख के तो आप लोगों को भी लगेगा फ्रेंड्स कि एक बार तो देखना बनता है। ये देखो मस्ती शुरू हो गई है इन लोगों की। ये देखिए फ्रेंड्स कुछ जाए तो कुछ है। ये फ्लावर बना हुआ है किसे, कमल, कमल का फूल बना हुआ है। पानी नहीं है पर सूखा है सारा। बच्चे मस्ती कर रहे हैं ना, है ना। मौसम भी अच्छा हो गया है ना, अनुषा छलांग लगाने वाली है इसके अंदर में, देखो है ना। अनुषा छलांग लगाने वाली है इसके अंदर, दोनों साइड में पानी भरा हुआ है। देखो इधर भी मौसम। फ्रेंड्स सवा 6 बज गए हैं और पार्क का बंद होने का टाइम भी हो गया है फ्रेंड्स, और हम पूरा पार्क अच्छे से घूम भी नहीं पाए। और गार्ड की सीटियां बजना शुरू हो गई है और, है ना। तो फ्रेंड्स अब चलेंगे, अब थोड़ा सा घूम लेते हैं यहीं आसपास में। और काफ़ी सुंदर पार्क है फ्रेंड्स, ये देखिए। अनुषा हाय, तो इतना पास पास में क्यों आए जाने। और नाइट में देखो अब लाइटिंग भी हो गई है, काफ़ी अच्छा लग रहा है ना, लाइटिंग हो गई है। इवनिंग टाइम में आते हैं सब लोग घूमने, देखे हैं। और ये दोनों लगे हुए हैं कोर्निंग में, अच्छी लगी है ना। और अंधेरा भी हो गया है ना, हल्का हल्का अंधेरा हो गया है। और अब चलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ा सा और दिखाते हैं आपको। और क्योंकि पार्क बंद होने का टाइम भी हो गया है ना, और सब लोग चल दिए है ना पार्क। कोल्ड ड्रिंक खत्म हो गई 2 मिनट में, है ना। और अब सब लोग चलने लगे हैं क्योंकि अब पार्क बंद होने का टाइम हो गया है ना, इसी वजह से। तो हम भी चल रहे हैं और देखते हैं कुछ होगा वो दिखाएंगे आप लोगों को। देखिए फ्रेंड्स सब लोग निकल रहे हैं ना, क्योंकि गार्ड सीटी बजाने लगे हैं, भगाने लगे हैं सबको। सब लोग निकलने लगे हैं अब पार्क से बाहर, हम भी निकलते हैं फ्रेंड्स। आ गए फ्रेंड्स बाहर आ गए हम लोग, और अब रोड क्रॉस करते हैं और उसके बाद निकलते हैं फ्रेंड्स। अंधेरा हो गया है ना, काफ़ी अंधेरा हो गया है। और निकल गए हम पार्क से बाहर भी आ गए हैं फ्रेंड्स, रोड पे आ गए। तो फ्रेंड्स वहाँ से सीधा आ गए हम कोरोनेशन पार्क आ गए हैं। यहाँ पे झूले वगैरह सब है, तो बच्चों को मस्ती करनी थी तो हम लोग आ गए यहाँ पे। चलते अंदर,
सब लोग जा रहे हैं और हम आ रहे हैं ना, जाने का टाइम हो गया है ना, हम थोड़ा लेट हो गए। अंधेरे में तो कुछ दिखेगा भी नहीं है ना, कुछ नहीं दिख रहा है ना अंधेरे में, और सब लोग जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, वैसे काफ़ी लोग हैं अभी तो, पर जा रहे हैं सब, हम थोड़ा लेट हो गए हैं। अनुषा कह रही है कि सब लोग जा रहे हैं और हम आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ी सी मस्ती इनको भी करवा लाती हूँ मैं। अब आए हैं तो चलो घूम के चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अंधेरा काफ़ी हो गया है, देखिए कुतुब मीनार। अब अंधेरे में कुछ भी नहीं दिखेगा, वो रहा कुतुब मीनार। यहाँ पे झूले वगैरह भी है ना, देखो अभी तक बच्चे झूल रहे हैं, देखो मस्ती कैसे कर रहे हैं ना बच्चे, खूब मस्ती कर रहे हैं यहाँ पे बच्चे। अंधेरा हो गया है पर मन नहीं कर रहा ना जाने का, और हम भी तो कितना लेट आए हैं यहाँ पे। निकल गए हम बाहर पार्क से। तो फ्रेंड्स, कहीं भी बाहर जाओ बच्चों को तो भूख लगी जाती है ना, ना लगे तो भी लगाती है इनको। यहाँ पे आ गए चाउमीन खाने के लिए, अंकल बना रहे हैं चाउमीन, तो चलो चाउमीन खा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, मिल गए चाउमीन, तो आ जाइए आप सब लोग भी चाउमीन खाने के लिए, सबकी फेवरेट होती है ना चाउमीन। तो हो गई फ्रेंड्स हमारी चाउमीन, और पैसे भी दे दिए मैंने अंकल को, काफ़ी अच्छी थी। पैसे दे दिए, अब चलते हैं घर के लिए, निकलते हैं फ्रेंड्स। अब चाउमीन के बाद ले लिए फ्रेंड्स हमने आइसक्रीम, और आइसक्रीम खा लेते हैं, और अब लेंगे हम रिक्शा लेंगे फ्रेंड्स अब, क्योंकि अब पार्क से सब लोग निकल गए हैं, काफ़ी अंधेरा हो गया है। और वैसे घूमने का मज़ा तो फ्रेंड्स शाम को ही आता है, क्योंकि दिन में तो काफ़ी धूप होती है ना, और सभी लोग निकल गए हैं। देखिए सड़क पे, देखिए गाड़ियाँ, और अभी हमें रोड क्रॉस करना है, उसके बाद में ऑटो लेना है फ्रेंड्स। तो अब मिलेंगे आप लोगों से घर जाके, तब तक व्लॉग में बने रहिए। ओके फ्रेंड्स। फ्रेंड्स आ गए हैं घर पे, और दरवाज़ा खोलते हैं सबसे पहले, फिर अंदर चलते हैं। अनुषा खोल रही है दरवाज़ा, खुल गया हमारा दरवाज़ा, और आ चुके हैं फ्रेंड्स अंदर। टाइम हो गया है फ्रेंड्स, 7 बज चुके हैं, और 7 बजे हम अंदर यानी कि घर में आ चुके हैं, और काफ़ी लेट भी गए थे फ्रेंड्स हम, तो ज़्यादा कुछ नहीं दिखा पाई अंधेरे की वजह से। नेक्स्ट टाइम कभी जाऊंगी तो दिखाऊंगी। वैसे मैंने ये व्लॉग में पहले भी डाल चुकी थी, तो आज वैसे ही मन कर रहा था फ्रेंड्स थोड़ा सा बाहर जाने का, और बच्चों को भी लेके चली गई, मस्ती करके आ गए ये लोग भी, मस्ती के साथ साथ खाना पीना भी हो गया इनका, है ना। और फ्रेंड्स घर के तो हमारे इसी तरह से चलते रहते हैं, तो घर के कामों से थोड़ा सा यानी कि फ्री होके अपने आप को टाइम देना चाहिए फ्रेंड्स। तो आजकल मैंने सोच लिया है थोड़ा सा बाहर का आप लोगों को दिखाया करूंगी, कुछ अलग दिखाऊंगी, तो मेरे वीडियो को सपोर्ट करिएगा फ्रेंड्स। बहुत मेहनत से वीडियो बना रही हूँ मैं आजकल आप लोगों के लिए, खूब अच्छे अच्छे वीडियो लाने की कोशिश करूंगी, और मेरे वीडियो को फुल वॉच करिएगा। और आ गए हैं बच्चे, चले गए हैंड वॉश वगैरह करने के लिए, और अब मैं ब्लॉग का भी एंड कर देती हूँ फ्रेंड्स। आशा करती हूँ मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, और मैंने सुबह मेरे घर की कंडीशन भी दिखाई थी आप लोगों को, क्या हालत हो रही है, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा माइंड को फ्रेश करने के लिए मैं बाहर घूमने चली गई, बच्चों को भी लेके गई फ्रेंड्स। तो आशा करती हूँ मेरा आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा फ्रेंड्स। और न्यू है तो मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और प्लीज़ एक प्यारा सा कॉमेंट करके जरूर बताना, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों का कमेंट देख के। तो मिलती हूँ आप लोगों से मैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय मेरी यूट्यूब फैमिली, थैंक यू सो मच।